जय हिंद। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 26 जनवरी सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम सबको पता है कि आज भारत का जो संविधान है, जो अपना संविधान है, इसी दिन को पूरी तरह से पूरी भारत में लागू हुआ था, इसीलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। परंतु इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है कि 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे मनाते हैं? हम सबको पता है 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था और उसी दिन हम लोग अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। बट 26 जनवरी को ऐसा क्या हुआ था कि 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे मनाया जाता है? और ये भी बात सभी को पता है कि रिपब्लिक डे मनाते इसलिए हैं क्योंकि उसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। लेकिन आपको हम एक रोचक तथ्य प्रस्तुत करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। तो आइए इस पर बात करते हैं। बात करने से पहले आज हम लोग अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, 73rd रिपब्लिक डे मना रहे हैं। तो बात करते हैं ऐसा क्या हुआ था कि 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे मनाते हैं। हम सबको पता है जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसको बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था, हमको पता है, सबको पता है। और ये 26 नवंबर 1949 को बनके पूरी तरह से रेडी हो गया। और ये भी बात पता है कि 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाते हैं। जब 26 नवंबर को ही संविधान बनकर तैयार हो गया 2 साल 11 माह 18 दिन में, तो ऐसी क्या जरूरत थी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है? तो आइए जानते हैं। ये बात है 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ करता था आजादी से पहले, और उस समय लाहौर अधिवेशन हुआ। ये कांग्रेस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन में से एक है और उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट यानी कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को पाकिस्तान में जो इस समय नदी है रावी नदी उसी के तट पर मध्य रात्रि को झंडारोहण किया, ध्वजारोहण किया और पूर्ण स्वराज्य की मांग की 31 दिसंबर 1929 को। और उन्होंने और कई सारे नेताओं ने डिसीजन लिया कि 26 जनवरी 1930 से भारत अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, मतलब उसी दिन से हम लोग अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू करेंगे, मनाने का निश्चय भी लिया गया उसी दिन इसी रावी नदी किनारे। और एक सवाल जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, इस रावी नदी का प्राचीन नाम है पौरुषनी। तो ये अच्छी है फैक्ट के हिसाब से, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? पौरुषनी नदी, जो इस समय कहां है? पाकिस्तान में है, लाहौर अधिवेशन में बात हुई थी। तो इस अधिवेशन के बाद से भारतीय नेताओं और क्रांतिकारियों में एक स्वतंत्रता की लहर फैल गई। उन्होंने तय लिया और 26 जनवरी 1930 को जगह जगह पे झंडारोहण किया गया, झंडा फहराया गया और वहीं से भारत के लोग इसी दिन को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय कर लिया। और आपको एक और बात बताते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भारत आजाद होने से पहले तक अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता था? 26 जनवरी को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता था, यह भी बात जानने वाली। तो इतनी कहानी से आपको पता चल गया होगा कि आखिरकार 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे फैक्ट पे। आपको पता होगा कि हर रिपब्लिक डे में मुख्य अतिथि होते हैं, चीफ गेस्ट होते हैं, जो किसी देश के मुखिया को बुलाया जाता है एज ए प्रेसिडेंट, एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो पहले जो मुख्य अतिथि थे हम रिपब्लिक डे पे, वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था सुकरानो।
कौन थे? सुकरानो, जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। इस इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। और इंडोनेशिया के बारे में एक और फैक्ट है, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश कोई है तो इंडोनेशिया ही है, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश। और तीसरे फैक्ट पे बात करते हैं, जो रिपब्लिक डे के दिन झंडारोहण होता है, मतलब जो फ्लैग होस्टिंग होती है, वो राष्ट्रपति करते हैं राजपथ पे। कहाँ करते हैं? राजपथ पे। और राज्यों में राज्यपाल करते हैं, गवर्नर करते हैं। जबकि यही स्वतंत्रता दिवस पे जो 15 अगस्त को मनाया जाता है, उस दिन लाल किले पर प्रधानमंत्री करते हैं और राज्यों में मुख्यमंत्री करते हैं। तो ये कहानी रही कि संविधान बनने के बावजूद जो 26 नवंबर को ही बन गया था और उसके कई सारे अंश लागू भी हो गए थे देश में, फिर 26 नवंबर को गणतंत्र दिवस मनाया गया। यही कहानी थी, इसी के पीछे लाहौर अधिवेशन था। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।